नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि ग्लोबली लेवल पे एक इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज जुबिलेंट लाइफ साइंसेस कंपनी के बारे में जो कि फार्मा के साथ साथ लाइफ साइंसेस की भी मेडिसिन जो है वो बनाती है। और ये जो कंपनी है एक फुल फ्लेश्ड इंटीग्रेटेड फार्मा कंपनी है जिसमें राकेश झुनझुनवाला जी जो कि इंडिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक हैं, उन्होंने भी इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो आज हम इसी एक्सेलेंट कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स रेंज के बारे में, इस कंपनी के फिर हम एक इनकम स्टेटमेंट को देखेंगे, एक प्राइस हिस्ट्री एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम एक पीयर कंपैरिजन करेंगे छोटा सा, और लास्ट में मैं चार्ट्स के ऊपर आपको बताऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या कोई बाइंग अभी बनती है कि नहीं, बाय होल्ड सेल हमारी पोजीशन कैसी होनी चाहिए। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है। तो अब अगर मैं बात करूं इस कंपनी के बिजनेस सेगमेंट्स के बारे में तो इसके लिए मुझे चलना पड़ेगा ये जुबिलेंट लाइफ साइंसेस की वेबसाइट के ऊपर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने लिख के रखा है कि इंटीग्रेटेड ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। यहाँ पे वेबसाइट बहुत अच्छी है इनकी और यहाँ पे बिजनेस सेगमेंट का जो इनका ऑप्शन है यहाँ पे मैं देख सकता हूँ इन्होंने चार चीज़ें लिख के रखी हैं दोस्तों। तो बेसिकली ये जो कंपनी है चार सेगमेंट्स में डील करती है। जो पहला सेगमेंट है दोस्तों वो फार्मास्यूटिकल्स का है जिसके लिए ये एक सब्सिडरी के थ्रू डील करते हैं जिसका नाम जुबिलेंट फार्मा लिमिटेड है। तो दोस्तों ये जो सेगमेंट है इसके थ्रू ये एपीआई बनाते हैं जुबिलेंट फार्मा लिमिटेड जो इनकी सब्सिडरी है। एपीआई के साथ साथ ये रेडियोलॉजी और जो भी एलर्जी से रिलेटेड दवाइयाँ रहती हैं वो इस फार्मास्यूटिकल्स वाले सेगमेंट से बनाते हैं और इससे इनका 60% रेवेन्यू भी आता है। और अगर मैं लाइफ साइंस इंग्रीडियंट की बात करूँ जिसको ये शॉर्ट फॉर्म में LSI कहते हैं तो यहाँ से इनका 35% रेवेन्यू आता है। और ये जो सेगमेंट है ये बेसिकली बहुत ही हाई एंड स्पेशलिटी जो भी मेडिसिन होती हैं स्पेशल लेवल की स्पेशल डिजीज़ को क्योर करने के लिए मेडिसिन इस सेक्टर में बनाई जाती हैं। और इसकी जो सब्सिडरी है वो जुबिलेंट लाइफ साइंसेज है। और अगर हम इनके तीसरे सेगमेंट की बात करें जो कि ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट सॉल्यूशंस है तो दोस्तों जुबिलेंट बायोसिस करके ये एक और सब्सिडरी है। तो उसके थ्रू ये फॉरेन जो भी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी उनके साथ कोलैबोरेट करके बहुत स्पेशल जो भी बीमारियां होती हैं उसके लिए ये रिसर्च करते हैं। और जो इनका चौथा सेगमेंट है जो कि बहुत फेमस है इंडियन ब्रांडेड फार्मास्यूटिकल्स। तो दोस्तों इस सेगमेंट के अंदर ये जो भी जेनरिक मेडिसिन होती हैं जो कि बेसिक मेडिसिन जिनको हम बोलते हैं वो इसके अंदर बनाती है अपनी जो इनकी सब्सिडरी है जुबिलेंट जेनरिक्स लिमिटेड की करके। तो यहाँ पे हो सकता है दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में ना बताया हो इनके प्रोडक्ट्स के बारे में, लेकिन दोस्तों मैं एक इनका मेन प्रोडक्ट है जो आपको दिखाना चाहूँगा जिसका नाम है रेमडेसिविर। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये जो दवाई है इसको कोरोना वायरस को क्योर करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। दोस्तों ये ऐसी पहली मेडिसिन थी जिसको यूज़ किया गया है कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स हैं उनको क्योर करने के लिए। तो दोस्तों ये ऐसी अभी तक की इकलौती मेडिसिन है जिसको USFDA ने परमिशन दी है COVID-19 की जो भी पैंडमिक है उसमें जो भी पेशेंट्स हैं उनको क्योर करने के लिए। तो दोस्तों इस कंपनी के पास जो गिलेड इनकॉर्पोरेशन है उसने इस कंपनी को मैन्युफैक्चर और मार्केट करने की परमिशन दी है रेमडेसिविर की दवाई को 127 कंट्रीज में। तो दोस्तों ये जो कंपनी है ये कोरोना वायरस से जो भी बीमारी है उसकी दवाई बनाने में एक बहुत बड़ी गेम चेंजर हो सकती है। इसका इसके स्टॉक प्राइस पे भी बहुत अच्छा फर्क पड़ सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस कंपनी के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर मैं बात करूँ जुबिलेंट लाइफ साइंसेस के शेयर प्राइस की तो शेयर प्राइस 838 रुपीज़ है। और अगर मैं बात करूँ इनकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के ऊपर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है स्टॉक की और करंट प्राइस कम है। FD से बढ़िया रिटर्न दिए हैं ऐसा भी दिखा रहा है। स्टॉक अच्छा डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करता ये देखने को मिल रहा है। और एंट्री पॉइंट जो अपना इन्वेस्टमेंट का इनका एक टेक्निकल एनालिसिस का इंडिकेटर है टिकर टेप का वो ये दिखा रहा है कि टेक्निकली ये जो स्टॉक है वो ओवरबॉट जोन में है और ये स्टॉक किसी भी प्रकार का रेड फ्लैग नहीं है, इसमें डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी लो है। अब दोस्तों हम बात करते हैं
इसके मार्केट कैप के बारे में, दोस्तों इसका मार्केट कैप 13,000 करोड़ है और जो अभी करंट शेयर प्राइस है वो 838 रुपये है एज ऑन 7 दिसंबर 2020। अब मैं अगर इनके रिटर्न प्रोफाइल की बात करूँ तो वन डे में 2% के रिटर्न्स दिए हैं, अगर वन वीक की बात करें तो रिटर्न्स 14% रहे हैं, एक हफ्ते में सिर्फ 14% सीधा सीधा बढ़ गया है, एक महीने में 16% की ग्रोथ है इसमें, अगर हम वन ईयर की बात करें तो जो ग्रोथ है वो 60% है। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 मार्च 2020 में जो इसका लो था वो 234 रुपये 35 पैसे था और वहाँ से ये जो स्टॉक है सीधा 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 जा चुका है 838 रुपये पे, यानी कि सीधा सीधा 4 गुना पैसा इसने कर दिया है 8 से 9 महीने में। और अगर मैं 5 सालों की बात करूँ तो जो रिटर्न्स हैं वो 86% है दोस्तों, और अगर हम मैक्सिमम पे देखें तो मैक्सिमम पे आप देख सकते हैं 12,600% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स हैं। दोस्तों इसने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स का पैसा हमेशा बनाया है, ये चीज़ हमें समझ में आ रही है, कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें राकेश झुनझुनवाला जी ने भी इन्वेस्ट किया है जैसा कि मैंने आपको बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, तो वो जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कंपनी में डेफिनेटली कुछ ना कुछ बात तो है। और यहाँ पे अगर हम एनालिस्ट की रेटिंग को देखें तो वो भी 100% है, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है इस शेयर के लिए। अब हम एक छोटा सा पीयर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि जुबिलेंट लाइफ की पोजीशन अभी कैसी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ फार्मास्यूटिकल के जो भी बल्क ड्रग्स बनाती हैं उनके साथ इस कंपनी का कंपैरिजन किया है छोटा सा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर वन पे डिवीज लैब है जिसका मार्केट कैप अभी सबसे ज़्यादा है, 98,000 करोड़ है, इसका पी रेशो 56 का है। और आप बाकी जितनी भी 6 कंपनीज देखेंगे इनका पी रेशो 50, 30, 25 के आसपास है, लेकिन जुबिलेंट लाइफ एक ऐसी कंपनी है जिसका पी रेशो बस 16.72 का है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी 17% के से भी ज़्यादा है और अर्निंग यील्ड्स भी 8% से ज़्यादा है। तो दोस्तों फंडामेंटली ये स्टॉक सस्ता है ऐसा हमें देख के समझ में आ रहा है। दोस्तों ये जो स्टॉक है अभी फंडामेंटली मेरे हिसाब से बहुत ही चीप है अगर हम इनके पीयर्स से इसको कंपैरिजन करें, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब अगर मैं बात करूं इनके इनकम स्टेटमेंट के बारे में तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि FY 2020 में जो इनके रेवेन्यूज़ हैं वो गिर गए हैं थोड़े से, सिर्फ 0.60% से इनके रेवेन्यूज़ बढ़े हैं, लेकिन प्रॉफिट में आप देख सकते हैं 56% की सीधी सीधी ग्रोथ है, बहुत अच्छी बात है ये। FY 2019 में अगर आप देखें तो जो रेवेन्यूज़ हैं वो तो 21% से बढ़े लेकिन प्रॉफिट्स 10% से गिरे हैं, लेकिन आप अगर उनके अलावा दूसरे सालों में देखें तो रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़े हैं जो कि बहुत अच्छी बात है किसी भी कंपनी के लिए। दोस्तों रेवेन्यूज़ और प्रॉफिट कंसिस्टेंटली बढ़ने चाहिए सारी कंपनीज़ के लिए। ये बात हो गई हमारी इनकम स्टेटमेंट के बारे में। अब हम चार्ट्स पे देखते हैं इस कंपनी को और समझते हैं कि इसके स्टॉक में कैसा मूवमेंट आगे हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जुबिलेंट लाइफ साइंस का मैंने चार्ट लगाया है और इस चार्ट में आप देख सकते हैं मैंने एक पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न को हम वेज पैटर्न बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में, ये एक लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है। और दोस्तों जब इसका ब्रेकआउट होता है तो कोई भी शेयर कोई भी स्टॉक हो वो 20 से 30% के मिनिमम रिटर्न्स देता ही देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो ब्रेकआउट था वो 2 दिसंबर 2020 को हुआ और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो ब्रेकआउट का लेवल था वो 730 रुपये का था और जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ उसके बाद स्टॉक सीधा सीधा 100 रुपये से भी ऊपर जा चुका है। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक में आप लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी पोजीशन बना सकते हैं और अगर हम चार्टिंग में भी देखें तो ये बहुत बुलिश दिख रहा है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक रखा हुआ है तो आप डेफिनेटली होल्ड करें और अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं दोस्तों तो शॉर्ट टर्म के लिए तो बाय ना करें, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें बाय कर सकते हैं अगर आपका नज़रिया 1-2 सालों तक का हो तो। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो जुबिलेंट लाइफ साइंसेज के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।